the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. Hey everyone, welcome back to my channel. Well friends, आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सिंपल एंड एलिगेंट पिंक आई मेकअप लुक जो है वो शेयर कर रही हूँ. ये मेकअप लुक आप किसी भी गेट टुगेदर पार्टी के लिए क्रिएट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, किटी पार्टी और एनी काइंड ऑफ अदर पार्टी. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम अपने चेहरे को क्लीन करेंगे विद दिस डाबर गुलाबरी रोज ग्लो फेस क्लीनजर. देन अपने चेहरे को मॉइस्चराइज्ड करेंगे. आप अपने चेहरे के अकॉर्डिंग कोई भी अच्छा सा जो सीरम है या फिर जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो आप अप्लाई कर सकते हैं. देन फ्रेंड्स, क्योंकि विंटर का टाइम है तो अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैंने यहाँ पर लिया है हिमालय लिप बाम. अब मुझे फाउंडेशन अप्लाई करना है एंड आई एम यूजिंग वेट इन वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन और मेरा जो शेड है वो है ब्रॉन्ज बेस. देन एक वेट स्पंज की मदद से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेगी. ब्लेंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स. करीब 5 मिनट का टाइम रखिएगा फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए. नाउ आई एम अप्लाइंग वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर कम करेक्टर और मेरा जो शेड है वो है मीडियम टाउनी E8428. इसके थ्रू मुझे जिन स्पॉट्स को, जिन जगह को हाइड करना है उनको ये हाइड करने में मुझे मदद करेगा. अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ. खाली मैं उन जगह पर यूज़ करूँगी जहाँ पर मैंने कंसीलर यूज़ किया था ताकि फाइन लाइंस जो है वो कवर हो जाए, कंसीलर जो है वो क्रीज ना करे. अब मैं एक लिक्विड लिप कलर ले रही हूँ और मैंने यहाँ पर लिया है लैक्मे का 925 वेटलेस मूव लिप कलर जो कि पिंक शेड में है. इसको मैंने अपने आईलिड पर अप्लाई किया है एंड फिंगर की मदद से ब्लेंड करूँगी. इसके थ्रू मैं अपने आई मेकअप का बेस तैयार कर रही हूँ. अगर आपके पास कोई भी अदर कलर की लिक्विड लिप कलर है वही आप अप्लाई कीजिएगा. लिक्विड लिप कलर क्या होता है, ब्लेंड करने में इजी होता है. अब मैंने सेम कलर में मैंने ये क्लैमी कॉस्मेटिक का जो पिंक आई शेडो पैलेट है वो मैंने लिया है, जिस पर जो पिंक कलर है वो मैं अपने आईलिड पर अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी. देन मैं सेम आई शेडो पैलेट में से जो ब्राउन कलर है वो मैं अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी एक जो प्रॉपर वी शेप जो है उसको क्रिएट करने के लिए. और यही वाला जो शेड है वो मैं अपने क्रीज पर भी अप्लाई करूँगी. ब्लेंडिंग करते रहेंगे जब तक कि अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए. अब मैं सेम पैलेट में से जो शिमरिंग लाइट शेड है वो मैं लूँगी और अपने क्रीज एरिया पर अप्लाई करूँगी और सभी जो शेड है उनको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी जो हार्श लाइन है वो ना दिखे. आई शेडो ब्लेंड करने के बाद अब मुझे आईब्रो को बिल्डअप करना है और मैंने एक आई शेडो पैलेट लिया है जो कि लैक्मे एब्सोल्यूट आई शेडो पैलेट है. उसमें से जो ब्राउन शेड है उसके थ्रू मैं अपने आईब्रोज को बिल्डअप करूँगी. देन आई एम यूजिंग लैक्मे आइकॉनिक काजल. ये ब्लैक काजल है जिसके थ्रू मैं आईलाइनर क्रिएट करूँगी. आईलाइनर आज मैं थोड़ा थिक लगाऊंगी क्योंकि मेरा जो आई मेकअप है बहुत ही सिंपल है, पिंक कलर में है और मुझे आईलाइनर ही खाली अप्लाई करना है. नीचे मैं काजल नहीं लगाऊंगी. आईलाइनर अप्लाई करने के बाद जो पिंक कलर का जो शेड है वो मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूंगी. अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का द कोलोफिल वाटरप्रूफ मस्कारा जो कि काफ़ी अच्छा मस्कारा है. इसके थ्रू आप देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे जो लैशेस है वो प्रॉपर तरीके से कर्ल हो रही है और मैं नीचे के जो लैशेस है उसको भी, उस पर भी ये जो मस्कारा है वो मैं अप्लाई करूँगी. ये जो मस्कारा है ये मेरा करेंटली फेवरेट है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये अप्लाई हो जाता है. देन मैं सेम जो पिंक लिप कलर है जो कि मैंने अपने आईलिड पर अप्लाई किया था वो मैं अपने लिप्स पर भी अप्लाई करूँगी. अब मैं FQ का जो कलर करेक्टर है ये ऑरेंज कलर में, इसके थ्रू मैं काउंटरिंग करूँगी. खाली मुझे अपने चीक्स को काउंटर करना है और मैं कहीं पर भी नहीं करूँगी और अपने फिंगर्स की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. इसका जो शेड है ये ऑरेंज कलर में है क्योंकि कलर करेक्टर है तब भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से काउंटरिंग करता है. अब हमने जो लिप कलर लिया था लैक्मे 925 वाला, उसी के थ्रू मैं ब्लश अप्लाई करूँगी. आपने फ्रेंड्स देखा कि मैंने एक लिप कलर के थ्रू 3 जो पोर्शन है मेकअप का वो मैंने कवर अप किया है. आई मेकअप किया है, लिप कलर किया है एंड मैं ब्लश जो है वो भी अप्लाई कर रही हूँ.
ठीक इसी तरह ट्रेंड्स, अगर आपके पास अलग अलग मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके पास कुछ प्रॉपर लिप कलर होने चाहिए या फिर आई शेडो पैलेट होने चाहिए जिसके थ्रू आप अपना जो 50% जो मेकअप लुक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने आगे के मेकअप वीडियोस में आपके साथ इन ट्रिक्स को शेयर करूँगी। और ये देखिए बातों ही बातों में मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है, एंड हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए मैंने लैक्मे का जो फेस शीर हाइलाइटर है वो मैंने अप्लाई किया है, और मेरा जो मेकअप लुक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने आईब्रोज के नीचे भी थोड़ा हाइलाइटर जो है मैं अप्लाई करूँगी, और हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए मैंने जो क्लैमी कॉस्मेटिक में जो पिंक आई शेडो पैलेट है उस पर जो हाइलाइटर कलर है वो मैंने अप्लाई किया है। एंड ये देखिए मैंने ये वाले जो ईयर रिंग है वो मैंने पहनी है, ये मैंने everstylish.com से मैंने ये परचेस किया था। और अभी मैं बालों में बैंड लगा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने बालों को यूँ ही छोड़ देती हूँ विदाउट एनी बैंड एनीथिंग, बट वो उसका जो प्रॉपर जो लुक है वो नहीं आ रहा था क्योंकि आज मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है, तो बैंड के साथ ये जो लुक है वो कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का मेकअप वीडियो। ये जो मेकअप लुक है वो आप कभी भी कहीं भी मतलब क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी गेट टुगेदर पार्टी हो, वेडिंग फंक्शन हो, या फिर कोई ऑफिस फंक्शन हो, न्यू ईयर पार्टी हो, क्रिसमस पार्टी हो, एनी अदर काइंड ऑफ पार्टी, आप तब ये जो लुक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेकअप लुक अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।